आपको जानकर ये हैरानी होगी, भारत में आधी प्रतिशत से आबादी को ये भी नहीं पता कि जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती है और ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर्स आपके लिए जिस भी बीमारी के लिए आपके पास में जेनेरिक दवाई लिखेगा या ब्रांडेड दवाई लिखेगा, तो उनमें से हॉस्पिटल में आपके पास में जेनेरिक दवाई तो मिल जाएगी, लेकिन जो ब्रांडेड दवाई है वो आपको किसी मेडिकल शॉप से लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप मेडिकल शॉप पे जाओगे तो मेडिकल शॉप वाला ऐसा जरूर बोलेगा कि सेम सॉल्ट की हमारे पास दवाई। मेडिकल शॉप वाले सेम सॉल्ट का इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनके पास में किसी ना किसी बड़ी कंपनी का क्या हो रखा है, पैसा आ रखा होता है। और ये मेडिकल शॉप और डॉक्टर्स के बीच में क्या होती है, मिलीभगत होती है। इसीलिए डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयों के साथ साथ में ब्रांडेड दवाएं लिख देता है। 40% भारत में ऐसे लोग हैं जो दवाओं का खर्चा उठा ही नहीं पाते हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो बड़ी बीमारी होने पर किसी ना किसी या तो उधार पैसे लेके आएंगे और या कोई गलत कार्य करके फिर पैसे इकट्ठे करेंगे। एक मिडिल क्लास आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में ओनली हॉस्पिटल के बिल का ही अंतर होता है। क्योंकि जब भी मिडिल क्लास आदमी के घर में बड़ी बीमारी हो गई तो वो गरीबी रेखा से नीचे आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कल को आपके परिवार में भी किसी को बड़ी बीमारी हो जाए और आपको हॉस्पिटल से आराम से 7 से 8 लाख रुपए का आराम से बिल वो हॉस्पिटल वाले थमा देंगे, तो वो 7 से 8 लाख रुपए करंटली सिचुएशन में आपके पास नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? या तो किसी से उधार लेंगे और या कोई कहीं से ना कहीं से आपको पैसे इकट्ठे करके वो बीमारी का क्या करवाएंगे, आप इलाज करवाएंगे। यही सब इस पे संज्ञान लिया गया और इसी के लिए आपके पास में एक आपने आसपास में देखा होगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की कुछ ना कुछ या तो एजेंसी होती है या कोई कंपनी होती है। लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जो रुझान है वो बहुत सारा नेगेटिव है, क्योंकि लोगों ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों के साथ में क्या किया, चीटिंग की है। जब भी कभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत जो लाभ पाते हैं तो कंपनियां उनके सामने क्लेम नहीं दे पाती है, कुछ ना कुछ रीजन देके उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है और क्लेम नहीं दे पाती। इसीलिए लोगों के साथ में फ्रॉड होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस करके और आउट ऑफ इंडिया भाग जाती हैं या फिर उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। इसीलिए भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति इतना रुझान कम है, क्योंकि लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को जिस टाइम पैसे चाहिए चाहिए होते हैं उस टाइम वो दे नहीं पाती है। इसलिए ओवरऑल इस कंडीशन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भारत में सबसे पहले खुद से हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है। घोषणा ही नहीं की है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया, और राजस्थान सरकार के 90% लोगों को, परिवारों को इस योजना के साथ में जोड़ा गया। क्या योजना है और ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसी के बारे में अपन आज डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान में सबसे पहले चलती थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा कवरेज दिया जाता था, जिसमें से 4.5 लाख रुपए उनको, यदि किसी परिवार में गरीब गंभीर बीमारी हो गई तो उनको 4.5 लाख रुपए दिए जाते थे, और सामान्य बीमारी होती तो उनको 50,000 रुपए दिए जाते थे। ये योजना स्टार्ट होती है 1 सितंबर 2019 से, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य की इक्विटी है कि केंद्र सरकार 60% की इक्विटी रखता है और राजस्थान सरकार 40% की इक्विटी रखती है। इसमें टोटली आप देखोगे तो 1597 बीमारियों को कवरेज किया जाता था, जिसमें हॉस्पिटल में आपके लिए 5 दिन पहले का और 15 दिन बाद का आपका खर्चा वहन राज्य सरकार करती थी। जब कोविड में इतने हालात हुए तो आपने भीलवाड़ा मॉडल का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा फेमस हुआ था आपके भीलवाड़ा मॉडल, जिसमें राज्य सरकार ने कैसे किया, 9 लेयरों में भीलवाड़ा मॉडल को बांटा, और जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे थे और राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा कम भीलवाड़ा में कर दिए थे और ये भीलवाड़ा इतना फेमस हुआ था। इसीलिए राजस्थान सरकार ने बीमित परिवारों को चिन्हित करते हुए 1 मई 2021 से सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया। ये इसी का अपडेट रूप है, और राजस्थान सरकार ने इस योजना का पूरा नाम दिया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें 5 लाख रुपए का आपको कैशलेस बीमा मिलता है। इसके लिए पात्रता क्या है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने भी परिवार, उनको निःशुल्क दिया जाएगा। इसी के साथ में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना वाले जो भी परिवार, उनको ये फ्री दिया जाएगा। जो आयुष्मान भारत योजना में जितनी भी फैसिलिटीज मिलती थी ये सेम टू सेम इसी में मिलती थी। आपके पास में यहाँ भी 1597 बीमारियों को कवरेज किया जाता था और हॉस्पिटल में 5 दिन के पहले और 15 दिन के बाद का खर्चा वहन राज्य सरकार करती थी। इसी का दायरा बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने एक नया अपडेट वर्जन दिया, और जिसको आपने देखा होगा या सुना होगा आसपास में, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि आपकी 1 मई 2022 से लागू होती है, और बीमे जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको आपको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का कर दिया है। और 1 अप्रैल 2022 से इस योजना में
जितने भी पात्र परिवार कौन कौन से हैं कि आपके, एक तो खाद्य परिवार जितने भी हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने भी परिवार उनको शामिल किया गया, साथ ही में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना वाले लोग हैं उनको भी शामिल किया गया। 3 नंबर पर अपन बात करें जितने भी आपके संविदा कर्मी हैं जो कर्मचारी उनको भी निःशुल्क दिया जाएगा। 4 नंबर पर अपन बात करें तो जो परिवार कोविड में निराश्रित हो गए या ऐसा हो गए उन परिवारों को ये 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री दिया जाएगा। इसके साथ में जो बाकी परिवार हैं वो कैसे पात्र होंगे, उनको सालाना 850 रुपए का प्रीमियम राशि देना पड़ेगा और वो इस 10 लाख रुपए के लिए क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। तो उनको क्या करना है, ओनली 850 रुपए का क्या देना है, हेल्थ प्रीमियम देना है जो कि राज्य सरकार को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2022 से हम लोगों ने चिकित्सालय में जितनी भी ओपीडी की सेवाएं हैं और आईपीडी की सेवाएं वो भी हमने फ्री कर दी। ओपीडी का मतलब होता है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की जितनी सेवाएं हैं वो भी आपको फ्री दी जाएगी। आईपीडी का मतलब होता है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी आपको सेवाएं हैं वो भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क दवा योजना को भी शुरू किया था 2 अक्टूबर 2021 को। इस योजना ने भारत की हेल्थ इंश्योरेंस का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नया मॉडल के स्टे नया मॉडल हेल्थ केयर मॉडल दिया है, जिसमें आपको उस टाइम भी 713 प्रकार की निःशुल्क दवाइयां मिलती थी और उसी का दायरा बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 1633 प्रकार की दवाइयों को आपको फ्री दिया नहीं जाए। नहीं 7 अप्रैल 2013 को जब राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना स्टार्ट करती है तो उसमें आपको टोटल 133 जांचों को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ में यदि दुर्घटना में भी आपको बीमा चाहिए तो इसके लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाएगा। जीवन जा रक्षा योजना को भी लागू किया, जिसमें आप यदि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को आप पहुंचाते हो टाइम पे तो आपको 5,000 रुपये और इसके साथ में प्रशस्ति पत्र आपको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण हेतु आई एम शक्ति उड़ान योजनाओं को भी लागू किया और मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके किया कि महावारी कोई बीमारी नहीं है, शर्म और संकोच नहीं है, इसको सामान्य बीमारी के रूप में लिया जाना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने सबसे पहले पूरे विश्व में 19 दिसंबर 2021 को आई एम शक्ति उड़ान योजना लागू की, जिसका उद्देश्य रखा गया कि राज्य सरकार की जितनी भी किशोरियां हैं और महिलाएं उनको निःशुल्क सैनिटरी नेपकिन दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने 10 से लगाकर 45 वर्ष तक की जितनी किशोरियां हैं और महिलाएं हैं उनको जागरूक करना और उनके लिए प्रति माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नेपकिन दिए जाने इतना ही चाहिए। नहीं, आम आदमी की देखभाल और जिम्मेदारी वहन करने के लिए राजस्थान सरकार ने देश ही नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराया और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करना, जागरूकता फैलाएं जल्दी से जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।